नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है ओम्स के ऊपर, कि स्पीकर के ओम्स और एम्पलीफायर के ओम्स हम कैसे मैच कर सकते हैं और कितने ओम्स का स्पीकर हमारे एम्पलीफायर के लिए बेस्ट हो सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको सारे ही एम्पलीफायर बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर जो जो हमारे पास एम्पलीफायर होते हैं उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से एम्पलीफायर के अंदर कितने ओम का स्पीकर आपके लिए बेस्ट होता है। और बहुत से भाई स्पीकर को पैरेलल और सीरीज में करते हुए कौन सी गलती को करते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखिए, पहले मैं आपको ओम्स के लिए बता देता हूं कि हमारे स्पीकर जो हैं आपको देखिए 2 ओम्स के अंदर मिलते हैं। 2 ओम्स के अंदर स्पीकर होता है हमारा, 4 ओम्स के अंदर स्पीकर भी होता है, 8 ओम्स के अंदर भी स्पीकर होता है, और जो हमारे नॉर्मल यूज होते हैं एम्पलीफायर में वहाँ पर हमें 16 ओम भी मिलता है। तो हमारे पास 4 स्पीकर होते हैं ओम्स के अंदर, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम। तो 2 ओम का स्पीकर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ आवाज़ ज़्यादा चाहिए, ना हमें बेस चाहिए, ना हमें यहाँ वहाँ पर ट्रेबल चाहिए, सिर्फ हमें आवाज़ जो है जो वो ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर 2 ओम का स्पीकर की यूज करते हैं। यहाँ पर बेस थोड़ा कम दिखाई देता है हमें। 4 ओम का स्पीकर जो होता है वहाँ पर हमें बास और ट्रेबल दोनों बराबर मिलता है और आवाज़ भी थोड़ी हमें ज़्यादा मिलती है और हमारा जो एम्पलीफायर का आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है। 8 ओम का हम स्पीकर तब यूज करते हैं अगर हमें बेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए और हमारी जो आवाज़ कम हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब इसमें थोड़ी आवाज़ कम आएगी लेकिन बेस आपको अच्छा मिलेगा। 16 ओम का स्पीकर को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर आपने डीजे के अंदर बेस देखा होगा, जो बेस को लगा दिया जाता है वहाँ पर होता है 16 ओम, क्योंकि वहाँ पर उसको खाली बेस के लिए ही यूज करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर 16 ओम के स्पीकर को यूज करते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका ओम बढ़ता चला जाएगा वहाँ पर आपका बेस जो है वो बढ़ता चला जाएगा और आवाज़ जो है वो कम होती चली जाएगी। यह हमेशा याद रखें कि ओम्स अगर कम होगा तो आवाज़ ज़्यादा होगी और इस आपकी जो एम्पलीफायर की आउटपुट है वो भी ज़्यादा होगी। जितना ओम्स बढ़ेगा वहाँ पर आउटपुट उतनी ही कम हो जाएगी और आपका जो एम्पलीफायर की आवाज़ कम हो जाएगी और बेस जो है थोड़ा हमें ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से ये ओम्स होते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको बता दूँ कि कौन सा स्पीकर के लिए स्पीकर जो है आपका बेस्ट होता है। तो आपने एम्पलीफायर देखा होगा कि एक हमारा जो मोनो जो चैनल के अंदर एक एम्पलीफायर आता है उसके अंदर कुछ पीछे से इस तरीके से होता है, उसमें लिखा होता है 2 ओम, 4 ओम्स और 16 ओम्स और 32 ओम्स, कुछ इस तरीके से लिखा होता है। तो यहाँ पर तो आप अपना कोई सा भी एम्पलीफायर और स्पीकर लगा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर ओम्स लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे पास देखिए कौन कौन से एम्पलीफायर ज़्यादातर जो यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 6283 IC का एम्पलीफायर यूज होता है हमारा, 4440 यूज होता है एम्पलीफायर, और 3055 यूज होता है हमारा एम्पलीफायर, और 3773 यूज होता है हमारा ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर, 5200 यूज होता है हमारा ट्रांजिस्टर के अंदर, और 5200 और 1943 का जो पेयर होता है वो हमारा यूज होता है। और यहाँ पर इसके अंदर अदर भी अगर आपके पास कोई एम्पलीफायर है, और एक हमारा पास 4141 भी होता है एम्पलीफायर, इसके अंदर भी 4141, ये ST के IC होती है हमारी, इसके अंदर बहुत सारी सीरीज होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के इतने सारे एम्पलीफायर होते हैं, और एक होता है हमारा 8403 जो हमारा मिनी एम्पलीफायर है 5 वोल्ट का। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सारे एम्पलीफायर होते हैं। अगर कोई इसके अंदर एम्पलीफायर मैंने नहीं लिखा है तो आप कमेंट में जाके मेरे से पता कर सकते हैं, मैं वहाँ पर जाके आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा कि कौन सा स्पीकर आपके एम्पलीफायर के लिए बेस्ट होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा 8403 है वहाँ पर आप 4 ओम का स्पीकर लगाएंगे तो अच्छा चलेगा 8403, क्योंकि 4 ओम के लिए आपका स्पीकर बेस्ट होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर ही आपका, अगर आप ओम्स का स्पीकर लगाओगे आपको आउटपुट पूरा मिलेगा, आवाज़ की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और बास और ट्रेबल दोनों बराबर मिलेगा। 6283 के अंदर भी आपको यूज कर सकते हो 4 ओम का, अगर आपको आउटपुट अच्छा चाहिए। यहाँ पर आपको जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर बेस्ट मिलेगा आउटपुट, मतलब इसमें जो आपका बास ट्रेवल जो भी है एकदम, और जो इसकी वाटेज है वो एकदम बढ़िया मिलेगी। 4440 के अंदर भी आप यूज करेंगे तो यहाँ पर भी 4 ओम के स्पीकर को ही यूज करना है। 3055 के अंदर भी यूज करेंगे तो यहाँ पर भी 4 ओम का स्पीकर, यहाँ पर आप 8 भी लगा सकते हैं लेकिन 8 के अंदर आपका आउटपुट थोड़ा कम हो जाएगा। 3773 के अंदर भी आप 4 ओम का स्पीकर ही लगाएं, लेकिन 8 ओम का भी लगा सकते हैं, आपको ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए 5200 है, जो 5200 के अंदर आपको
चार ओम का स्पीकर जो लगाएंगे उसके अंदर आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। 5200 के अंदर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो हैं चार ओम का स्पीकर ही लगाएं। 5200 के जो हमारा पैरलर में होते हैं और जो हमारा 5200 और 1943 होता है वो भी चार ओम के अंदर ही आप लगाएं। 4141 IC जो ST के जो सीरीज आती है उसके अंदर आप 8 ओम का स्पीकर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका 8 ओम का स्पीकर लगा सकते हैं। तो देखिए जो मैंने ओम्स बता रखे हैं इस ओम्स के अंदर आपका स्पीकर जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और बहुत बढ़िया काम करेगा। अब देखिए मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि बहुत भाई जो हैं वो गलती क्या करते हैं। देखिए इसके अंदर जो है ये हमारे पास जो स्पीकर है, तो पहले मैं देखिए इसकी ओम्स को चेक करा देता हूँ। तो ये हमारे पास देखिए, तो मैंने इस मल्टीमीटर को जो है जो हमारी रेजिस्टेंस चेक होती है 200 नंबर पे मैंने वहाँ कर दिया है। आप चाहे तो इसको कंटिन्यूटी पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी चेक हो जाता है। तो मैं इसको ओम्स की रेंज में कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं इसके ओम्स को चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके जो ओम्स है वो मतलब थोड़ा मीटर को मैं इस तरीके से रख लेता हूँ जो रीडिंग आपको एकदम दिखाई दे। तो ये देखिए ये हमारा जो है 4 ओम का स्पीकर है ये देखिए। तो इसके अंदर 4948 के आसपास रीडिंग आ रही है। तो ये हमारा 4 ओम का स्पीकर है और दूसरा भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए ये भी हमारा 4 ओम का स्पीकर है। तो देखिए बहुत से भाई अब इसके अंदर गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने जो है 4 ओम का स्पीकर लगा रखा है लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो बहुत कम आ रहा है और IC जो है हमारी हीटिंग हो रही है। तो देखिए ये जो मैंने आपको 4 ओम के स्पीकर जितने भी IC पे बताए हैं, अगर आप यहाँ पर 2 ओम का स्पीकर लगाते हैं तो आपकी IC ज़्यादा हीट होगी। इसके अंदर 2 ओम के अंदर IC ज़्यादा हीट इसलिए होती है क्योंकि 2 ओम के ऊपर आउटपुट जो है 4 ओम से डबल हो जाता है, तो इसलिए हमारी IC हीटिंग होती है। आप कभी भी अपने एम्पलीफायर पर अगर कोई सा भी स्पीकर चलाते हैं तो 8 ओम या 4 ओम का स्पीकर होना चाहिए और उससे नीचे ना हो। तो देखिए आप क्या होगा, बहुत से भाई ये कहेंगे कि सर हमारे पास 4 ओम का स्पीकर है लेकिन हमारे एम्पलीफायर के अंदर हमें 8 ओम का स्पीकर चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, आपको करना होगा इसको सीरीज। तो सीरीज देखिए मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर देखिए जो ब्लैक और रेड वाली वायर है उन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए हमने जोड़ दिया इनको और जो हमारी एक एक वायर बची है यहाँ पर, तो ये देखिए अब ये क्या हुआ दोस्तों, ये भी 4 ओम था ये भी 4 ओम था लेकिन जब हम इसको सीरीज के अंदर लगा देंगे तो ये हो गया हमारा 8 ओम। ये देखिए अब ये सीरीज के अंदर मैं चेक कराता हूँ। तो देखिए एक हमने रेड ब्लैक वायर जोड़ दी और देखिए तो ये हो गया हमारा 8 ओम का स्पीकर। तो इस तरीके से हम 8 ओम एक 8 ओम का स्पीकर बना सकते हैं। अब जो हमारी एम्पलीफायर में ये वाली वायर लगेगी, एक एक वायर हमने सीरीज कर दिया और एम्पलीफायर के अंदर रेड और ब्लैक वायर ये बची है जो ये लगेगी। अब इसके अंदर देखिए बहुत से भाई गलती क्या करते हैं, वो करते हैं कि इसके अंदर वो कहते हैं कि सर मेरा जो 4 ओम का स्पीकर है लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने स्पीकर को दोनों को कनेक्ट कर दिया एक साथ और एम्पलीफायर के अंदर लगा दिया। अब देखिए इसके अंदर बहुत से भाई क्या करते हैं, दोनों स्पीकर की वायर को इस तरीके से जोड़ते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं और एम्पलीफायर के अंदर लगा देते हैं। तो उनको यही पता होता है कि जो हमारा स्पीकर है वो 4 ओम का है और वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क होगा। लेकिन जब दो स्पीकर की वायर अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो आधा हो जाता है दोस्तों। देखिए पहले 4 ओम का स्पीकर था, अब ये हो गया 2 ओम का स्पीकर, अब ये हमारे 2 ओम के स्पीकर पे वर्क करेगा। तो इस तरीके से पैरलर के अंदर अगर आप कभी भी स्पीकरों को जोड़ देते हैं तो वो आधा हो जाता है और सीरीज के अंदर जोड़ते हैं तो वो डबल हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपका स्पीकर कितने ओम्स का है और कैसे वो वर्क करेगा और आपके एम्पलीफायर को कौन सा ओम्स का स्पीकर ज़रूरत है, तो इस हिसाब से जो है आप कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो स्पीकर है हमारे पास, ये हमारे पास 8 ओम का है, ये स्पीकर हमारे पास 8 ओम का है। देखिए मैं चेक करा देता हूँ, ये देखिए ये स्पीकर हमारे पास देखिए 8 ओम्स का है और ये जो दूसरा स्पीकर है ये भी हमारे पास 8 ओम्स का है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, 4 ओम का स्पीकर चाहिए क्योंकि 4 ओम के लिए हमारी जो एम्पलीफायर है वो ज़्यादा वाटेज देगी और ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा देगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्पीकर को जो हम पैरेलल में लगा लेंगे। पैरेलल से क्या होगा, ये हमारा स्पीकर जो है 4 ओम का बन जाएगा। ये देखिए अभी स्पीकर ये हमारा 8 ओम था, अब ये हमारा पैरेलल के अंदर हो गया 4 ओम का स्पीकर, ये देखिए अब ये हो गया हमारा 4 ओम का स्पीकर। यानी कि हमने पैरेलल में कनेक्शन कर दिए तो हमारा ये 4 ओम का स्पीकर हो गया। अब इसके अंदर बेस ट्रेबल भी बढ़िया निकलेगा, आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा हमारे एम्पलीफायर के अंदर
और इसके अंदर अब मैं वाटेज को भी आपको बता देता हूँ कि वाटेज किस तरीके से नापी जाती है। देखिए हमारे पास ये दो स्पीकर हैं, अब ये स्पीकर दोनों हमारे 8 ओम्स का स्पीकर है और 8 ओम्स का ये स्पीकर है हमारा। ये स्पीकर हमारा देखिए इसके अंदर जो है ये 10 वाट का है, 10 वाट का स्पीकर हमारा ये है और 10 वाट का स्पीकर ये है, तो 8 ओम्स 8 ओम्स है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, पैरेलल के अंदर जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो हमारा ये स्पीकर जो है ये हो जाएगा हमारा पैरेलल के अंदर 20 वाट और 4 ओम्स, तो इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों कनेक्शन पैरेलल में कर दिए हैं। देखिए इसको दोनों को आपस में जोड़ दिया है, तो अब क्या हुआ 20 वाट ये टोटल हो गया और ओम्स जो है आधा हो गया, तो हमारा ये 4 ओम्स हो गया। और अगर हम इसको सीरीज के अंदर कनेक्शन करते हैं, सीरीज के अंदर हो जाएगा ये 16 ओम। देखिए अब मैं सीरीज के अंदर कनेक्शन करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये ब्लैक वाली वायर है और ये हमारी एक रेड वाली वायर ले लेते हैं। तो देखिए ये ब्लैक और रेड तो मैंने आपस में जोड़ दी, अब इसको तो हम अलग कर देंगे और ये वाली जाएगी हमारी एम्पलीफायर के अंदर जो सिंगल सिंगल वायर बची है। तो देखिए अब ये हो गया हमारा 16 ओम का स्पीकर, ये देखिए ये हमारा 16 ओम का स्पीकर हो गया। तो अब देखिए इसके अंदर क्या आएगा, स्पीकर तो हमारा जो है 20 वाट ही रहेगा, 20 वाट का स्पीकर हो गया लेकिन ओम्स हो गई हमारी यहाँ पर 16। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके एम्पलीफायर में कौन सा ओम्स का स्पीकर बेस्ट चलेगा और कैसे कनेक्शन करने हैं, वो भी मैंने आज आपको बताया। क्योंकि बहुत से भाई यही गलती करते हैं कि दो स्पीकर को एक साथ जोड़ देते हैं और वो समझते हैं कि वो 4 ओम का ही स्पीकर रहेगा, लेकिन जब आप पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पर स्पीकर की जो ओम्स होती है वो आधी हो जाती है और सीरीज के अंदर डबल हो जाती है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि आपका एम्पलीफायर कौन सा है और आप कौन से एम्पलीफायर के अंदर आप जो है ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ओम्स का स्पीकर जो है आपके एम्पलीफायर के लिए सबसे बढ़िया होता है, वाटेज उसके अंदर ज़्यादा मिलती है और बास ट्रेवल आपको क्लियर मिलता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।